कौन थी वो लड़की जिसके साथ गुनाह हुआ था? क्या गुनाह होने से पहले इस गुनाह की दस्तक उसे नहीं मिली थी? जरूर मिली होगी। मेरे इतने साल के पुलिस डिपार्टमेंट के तजुर्बे से कहता हूँ, हर जुर्म होने से पहले दस्तक जरूर देता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर। आज मैं आपके सामने जो केस ला रहा हूँ, एक अजीबोगरीब केस है। जब ये केस हमारे सामने आया तो हम सब हंस पड़े, क्योंकि कोई गुनाह नहीं था, ये तो मजाक था, कोई बनी बनाई कहानी थी। लेकिन जैसे जैसे इस केस के तह तक हम पहुंच गए, वैसे वैसे अलग अलग पहलू हमारे सामने आ गए जो कि चौंका देने वाले थे। ये केस मुंबई शहर के भाईखला एरिया का था। इस पुलिस स्टेशन में मेरे 3 महीने पहले पोस्टिंग हुई थी। क्या था ये अजीबोगरीब केस? नहीं देशपांडे, नहीं नहीं नहीं, मैं बोलता हूं ना आपको, तुम्हारे क्लाइंट की बेल नहीं होगी। साहब, मुझे कंप्लेंट दर्ज करानी है। साहब, सर मैंने इसको बोला कंप्लेंट मेरे पास लिख, पर इसने सुना नहीं, पटकन आत्मदे घुसला है, चल रहा है। साहब बात ही कुछ ऐसी है साहब। 2 मिनट थंबा, मैं क्या बोलता हूँ देशपांडे, तुम ये पेपर्स पेश करो फिर से कोर्ट में, लेकिन मैं गारंटी बोलता हूँ इस बिना पे तुम्हारे क्लाइंट की बेल नहीं होगी। देखते ना कोणाला कायदा जास्त करतो बघू आप। हाँ क्या हुआ, किसकी कंप्लेंट करनी है? सर मेरी बीवी की। क्या हुआ? सर धोखा हुआ है। भाग गई? नहीं साहब। तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है सब, सूजा क्यों है, मारा उसने? नहीं। अच्छा तो अफेयर चल रहा है और तुम चाहते हो कि सामने वाले को धमका कर हमें अफेयर तोड़ दे, इतना ही काम बचा हमारे पास, है ना? नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है। दहेज वहेज का चक्कर है क्या? नहीं साहब। अच्छा तू संग काय मैटर है? सब मेरी बीवी मर्द है साहब। देशपांडे देखा क्या, लड़के ने लड़के के साथ शादी कर ली। अरे बाबा, लड़के ने लड़के के साथ शादी करना हमारे देश में गुनाह है, क्राइम, क्राइम मालूम है ना? साहब साहब वो बात नहीं है साहब, साहब मेरी बीवी ऊपर से औरत है। एक गांजा वांजा मार के आ गया तू, कुछ भी बोले जा रहा, चल तेरा मेडिकल करवाता हूँ। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानिए। सर इसका दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। चल चल तेरे मोरे 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 लो, और ऑडियंस भी आ गए, अब इनको भी समझाओ। बताओ एक काम करो, बैठो बैठो बैठो। नाम क्या है बाबा तुम्हारा? सब रेहान, रेहान खान। रेहान खान, अच्छा रेहान खान, तुम्हारी शादी मतलब तुम्हारा निकाह कैसे हुआ, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? सब लव मैरिज। लव मैरिज है तो तुम्हें शादी के पहले पता नहीं चला वो औरत है या मर्द है? साहब मैंने आपसे बताया ना, वो ऊपर से औरत है साहब। अरे तुम्हारा शादी के पहले कुछ हुआ नहीं क्या, मतलब जो होने से पता चलता है क्या नहीं वो? नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं? तुम्हारा अफेयर कितने साल था? साहब 1 साल। मतलब 1 साल तूने सिर्फ घुमाया, कुछ किया नहीं? सब वो बात नहीं है साहब, हाथ वाथ पकड़ने देती थी पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। मोरे मुझे लगता है या तो बहुत भोला है या तो बहुत शातिर दे। तूने बीवी का मर्डर वर्डर तो नहीं भी किया? अरे नहीं नहीं साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, नाम क्या है उसका? सर उज्मा, उज्मा सैयद। एक घंटा लेट आई, हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। छोड़ो ना। क्या हुआ? मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सब गलत है, हमारा निकाह नहीं हुआ है अब तक, तो ये गलत ही है ना, ये सब निकाह के बाद। मैं अपने घर वालों से आज ही बात करूंगा। तो कर लो, मैंने कब मना किया? लड़की का फोटो है तुम्हारे पास? हाँ साहब। निकाह लड़की तो एकदम नॉर्मल लगती है, मोरे बगा होगा वेगळं दिसतो का? नहीं सर ये तो एकदम नॉर्मल है। निकाह की फोटो है?
नाम है तो पर एल्बम घर पे है। ठीक है, आगे क्या हुआ बता। सर हम लोग निकाह की बात करने उसके घर गए। उज्मा, उज्मा तू नीचे आ। तुम शांत रहो, मैं बात करता हूँ उससे। कह दीजिए उससे कि ये निकाह वाली बात उसके लिए नहीं है। अम्मी, बेटा तुम जानते हो तुम ये क्या करने जा रही हो? ये निकाह तुम्हारे लिए। अबू, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे। उसने अचानक मुझे निकाह के लिए पूछ दिया तो मैंने जोश में हामी भर दी। उसमें तुम जाती हो ना कि तुम। ठीक है, अब बात हुई है तो उन्हें आने दो। निकाह करना कि नहीं उसके बारे में बाद में सोचेंगे। बेटी कब आ रही है वो? आज, अभी। क्या बात कही है भाईजान, वाह वाह माशाल्लाह। भाई भाईजान, हमें तो हमारे बेटे की पसंद बहुत जच गई। क्यों बेगम, सही कहा हमने? सच कहूं भाईजान, पहले मैं थोड़ी नाराज थी, पर इसे देखा मेरी सारी नाराजगी दूर हो गई। सही कहा बेगम आपने। जी मैं वो कह रही थी कि बच्चे भी जवान हैं और पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है तो। अरे भाभी जान आप फिक्र ना करें, उज्मा पढ़ेगी, निकाह के बाद पढ़ेगी। अरे हम पढ़ाएंगे उसे भाई, हमारे रियान को तो हमारा कारोबार संभालना है, फिर निकाह क्यों डालना भाई जान है? भाई जान कोई बात है तो बोल दीजिए। अरे देखिए भाभी जान, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए, कुछ मन में बात है तो प्लीज हमें खुल के बताइए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो उज्मा में एक प्रॉब्लम है। क्या? आप बताएंगे या मैं बताऊं? तुम बोलो। वो उज्मा कभी मां नहीं बन सकती। क्या? कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था क्या? नहीं नहीं, वो तो बचपन से ही। देखिए हमने आपको सब खरी खरी बता दी है, अब आप लोग ही सोच के बता दीजिए। कोई बात नहीं, इसमें सोचने वाली क्या बात है, अल्लाह जानता है कि हमारा प्यार कितना पाक है, वही कोई रास्ता दिखाएगा। और वैसे भी आजकल इन चीज़ों के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना अबू? हाँ हाँ बेटा, आपने एकदम सही कहा। कमाल की लव स्टोरी थी रेहान की, कॉलेज से शुरू हुई लव स्टोरी निकाह तक आ पहुँची। अब तक उज्मा और रेहान के लव स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब गुना की कोई दस्तक नहीं हुई थी। दस्तक इसके बाद हुई और वो दस्तक किसके खिलाफ होने वाले गुनाह की थी उनके समझ में नहीं आया और बात आगे बढ़ी। अरे शादी होने के बाद तो कुछ हुआ होगा ना तुम्हारे बीच में? हुआ था। हाँ तो फिर उस वक्त पता नहीं चला वो औरत नहीं है? साहब जो कुछ भी हुआ था सब ऊपर ऊपर से हुआ था साहब। तुम्हारी शादी कहाँ हुई? साहब कब्रिस्तान में। क्या कब्रिस्तान में? सर ये कोई ब्लैक मैजिक वाला चक्कर लगता है मेरे को। अरे नहीं नहीं साहब, कोई ब्लैक मैजिक वाला चक्कर नहीं है, वो हमारा निकाह एन मौके पर तय हुआ तो अचानक से कोई हॉल मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने कब्रिस्तान के हॉल में ही निकाह कर लिया। अच्छा हनीमून पे तो गए होगे? हाँ साहब। फिर हनीमून पे तो पता चला होगा? नहीं साहब, तब भी पता नहीं चला। अरे हनीमून पे कैसा नहीं पता चला, हनीमून पे तो 100% पता चलना चाहिए ना। माशाल्लाह, सनसेट पॉइंट से सूरज को डूबता हुआ देखना मतलब खुदा की करिश्मे को करीब से देखने जैसा लगता है। मैं तो सनसेट देख ही नहीं रहा था, मैं तो खुदा के इस करिश्मे को देख रहा था। अच्छा सुनो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आज हमारी पहली रात है और आज मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा। अरे जाओ भी, अभी बातें ही करते रहोगे। मैं बस 5 मिनट में आया, गेट रेडी। ओके उज्मा, क्या हुआ तुम्हें? बैठो बैठो बैठो। मेरी पीठ में अचानक से दर्द। कैसे? अभी तो ठीक थी, क्या हुआ? वो मुझे हारने का प्रॉब्लम है ना। अच्छा मैं काम करता हूँ, होटल में फोन करता हूँ, किसी डॉक्टर को बुला देंगे। नहीं नहीं जरूरत नहीं है, मैं एक दो दिन आराम कर लूंगी तो
ठीक हो जाएगा। पर ऐसे तुम बस मुझे लिटा दो। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत, तुम आराम करो। और तेरे हनीमून की बैंड बज गई, तुझे पता भी नहीं चला। अच्छा आगे कब पता चला? ए, क्या है हा? फिल्म का शूटिंग है, चलो निकलो, चलो काम करो। और बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या चल रहा है यहाँ? चलो 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 मोरे। हाँ बाहर जरा बाबा, वीडियो शूटिंग वगैरह करते हैं ना? कोई नहीं सर, कोई नहीं। नहीं नहीं उनसे भी डरना पड़ता है, एक्शन लेने से पहले सोशल मीडिया वाले शुरू हो जाते हैं। अब तू शुरू हो जा, बोल। साहब वो बार बार अपनी अम्मी के घर जाने लगी, ये कह के कि डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। पर एक दिन सादिया भाभी मुझसे बोली। अभी सादिया भाभी कौन है? मेरे बड़े भाई सलमान की वाइफ। अरे क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों खींचेंगी मुझे? रुको और मेरी बात सुनो। हर महीने दवाई के साथ जो तुम उज़्मा के लिए सैनिटरी पैड्स लाते हो ना, हाँ ये देखो, ये उसने फेंक दिए और वो भी बिना इस्तेमाल किए। ऐसा क्यों कर रही है वो? साहब मुझे थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा था कि वो क्यों खुद को मुझसे दूर रख रही है, पर असल वजह मुझे समझ में नहीं आ रही थी। पर एक दिन बात ऐसे सामने आई, मेरा दिमाग ठनका। और सुना तूने मैंने क्या कहा? मुझे तुझे देखना है, कपड़े उतार। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें दूर रखा है, लेकिन बस अब कुछ ही दिनों की बात है, जैसे ही मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। जब होगा तब होगा, मुझे तुझे भी देखना है। कपड़े उतार, कपड़े उतार। अल्लाह का खौफ नहीं है तुझे? अरे क्यों फंसाया मेरे बेटे को और हमें? छी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी घटिया बात ये उसके परिवार वाले हम तो छुपा भी सकते हैं। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये बात बाहर जाएगी तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ ये बात बाहर आए ना, उससे पहले भेज दो इसके घर। चल अपना सामान लपेट और निकल यहाँ से। नहीं नहीं जाऊंगी, प्यार करती हूँ रेहान से मैं। या अल्लाह ये तुम क्या कह रही हो? तुम एक मर्द हो, ये पाक नहीं है। अल्लाह ने ही मुझे ऐसा बनाया है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? क्या मुझे कोई हक नहीं है कि मेरा भी शौहर हो? तुझे कोई हक नहीं है? चुप सा जाएगी या उठा के फेंकू? दौड़वा नहीं जाऊंगी। देखता हूँ तो कैसे नहीं जाएगी। देख दोस्त, ये ना 420 का केस बनता है, उससे बदनामी होगी। अगर मेरी बात माने तो तुम आपस में निपटा लो, कुछ नहीं हुआ तो हम लोग है ना, फिर करेंगे केस। साहब प्रॉब्लम वो नहीं है, कुछ और है। उज़्मा 4-5 दिन से गायब है। गायब है? गायब है या तुमने गायब किया? नहीं नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया, बल्कि कुछ लोगों ने कल मुझे पीटा। अरे यार ये सब क्या है भाई? उज़्मा को तलाक देने की सोचना भी मत, वरना बेकरी की भट्टी में डाल के जला दूंगा। कौन था ये? अब्दुल सिद्दीकी, उज़्मा के मामा। कहाँ रहता है ये? सर कापुरवाड़ी में बेकरी है उनकी। जल्दी आप साफी मार, जल्दी मार बेटा। अब्दुल सिद्दीकी तू ही है? हाँ मैं ही अब्दुल सिद्दीकी। रेहान खान को क्यों पिटवाया तूने? क्या बात हुई सर? कमाल है, खुद धोखा देते हो खुद पिटवाते हो। हमने किसी को धोखा नहीं दिया सर, जो सही है वो बताया था पहले ही। क्या कि वो माँ नहीं बन सकती? तब उनकी वजह समझ नहीं आई, मना करने के बावजूद निकाह किया, वो भी जल्दी जल्दी में। हाँ उज़्मा को प्रॉब्लम था कि है, और उसकी वजह से उसको जानवरों की तरह पीटने का लाइसेंस नहीं मिल जाता उनको। किसने मारा था? सलमान ने बेल्ट से मारा। आप फोटो देखो साहब, अब कहाँ है उज़्मा? वो मार खा के घर को आई, मैंने बोला इधर ही रुको, इतने में तो इन लोगों ने बबाल कर दिया, बात पूरे एरिया में फैल गई। अरे देखो देखो कौन आ रही है, किन्नर की अम्मी। अरे नाजिया
तुमने तो एक तीर से दो निशाने लगा दिए, बेटा भी मिल गया और बेटी भी। ए कहाँ छुपा के रखा है? ए एड़ी, उस्मा को बाहर निकाल ना, निकाल कहाँ है? ए, वो लड़की नहीं, मेरी आप लोगों को कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरी तो आइटम है आइटम। अरे एक किन्नर अबू अबू भागो यहाँ से। उज़्मा के साथ ये सब होने के बाद मैंने उसे आदर्श नगर वाले फ्लैट में शिफ्ट करा दिया था। उसी जिल्लत में मैंने रेहान को पिटवाया था। खुदा कसम साहब, मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया। हमें उज़्मा से बात करनी है। वो तो वहाँ गई थी ना, फिर वापस नहीं आई। हमें लगा उनके बीच में सुलह हो गई। साहब मुझे उज़्मा की फिक्र हो रही। आप सावन मैडम, तुमचे हात दुखेपर्यंत हाना आला। हा बस कैसा लगता है कुर्सी पे बैठ के औरत के हाथ का मार खाना? बता उज़्माला का मार ले। अरे मैं तो भूल गया, तेरे को मराठी नहीं आती है, हिंदी में पूछता हूँ, उज़्मा को क्यों मारा? सब मैं सच कह रहा हूँ साहब, उज़्मा को मैंने नहीं मारा। लगता है तेरे को मार खाने का बहुत शौक है। फोटो दा पहले। देख रुक, ये क्या मेकअप क्या है? तूने मारा ना साहब? साहब वो रेहान खुदा की नेम को रोको यार, प्लीज रेहान रोको इन्हें। जिसकी जिंदगी बर्बाद की है उसको बचाने को बोल रही है? अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, जान लोगे क्या इसकी? सब ऐसा धोखा किसी के साथ भी होता ना सब, तो वो वही करता जो मैंने किया सब। इसका मतलब तूने उज़्मा को पीटा है तो कबूल करता है। याला ना इच्छे राहु दिया और ऐसी खातिरदारी करो ना, सुधर जाएगा। मोरे उज़्मा के घर लेडी कॉन्स्टेबल को भेजो और उसको बुला के लाओ इधर। सर उज़्मा हमारे घर पर नहीं है साहब। घर पर नहीं है? उसके घर वालों का तो कहना है कि फिर से तेरे घर आई थी वो। नहीं साहब, झूठ बोल रहे हैं सर साहब, जब से वो घर से गई है तब से वो अब वापस नहीं आई। नहीं साहब, वो यहाँ नहीं है। उस दिन जब सलमान ने उसको मारा तो मैंने उसे कहा जा यहाँ से वरना गजब हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे साहब, उसको उसके मामू जान के घर पे रखा था, अगर वहां से वो जाएगी तो अपने ससुराल ही जाएगी ना, और कहां जाएगी? उज़्मा ना तो उसके माँ बाप के घर थी ना तो रेहान के, गई कहाँ? या इस बात से छुटकारा पाने के लिए वो कहीं चली गई, या किसी ने उससे छुटकारा पाने के लिए उसे अगवा कर लिया या मार दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में हमें कॉल आई कि बैंगनवाड़ी के किसी बंद बिल्डिंग से बदबू आ रही है। बात तो समझ गए होंगे आप। जब वहां हम गए तो हमें उज़्मा की सड़ी हुई लाश वहां मिली। ताज्जुब की बात तो यह है कि उसका निचला हिस्सा जलाया गया था। क्या नसीब लेके पैदा हुई थी उज़्मा। मुरे अगर ये प्यार में ना गिरती तो ना इसकी शादी होती, ना ये क्राइम होता। अब ऊपर वाले ने इसको ऐसा बनाया, इसमें इसकी क्या गलती थी? एनीवेज तुम पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दो। अरे बिल्डिंग किसका जरा पता करो। ठीक है सर, वो उज़्मा की फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। दोनों फैमिली को एक साथ बोला मॉर्ग में, रिएक्शन तो देखे। मार दिया तुम लोगों ने मेरी बेटी को। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। अपनी बेटी की खामियां बता दी आप लोगों को, फिर भी मेरे बेटे से निकाह करवाया आपने। तूने मार डाला मेरी बेटी को। नहीं मिलेगी आप लोगों को, मार दिया मेरी बच्ची को।
उज्मा के घर वालों का कहना था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। उज्मा का निकाह कब्रिस्तान में होना और उज्मा का रेहान के साथ शारीरिक संबंध ना रखना, क्या ये रेहान के लिए आने वाले गुनाह की दस्तक नहीं थी? थी, लेकिन उसके प्यार ने इस दस्तक को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया था। अब उज्मा को भी किसी ने मार दिया था, क्या उसे भी इस गुनाह के पहले की दस्तक मिली थी? नहीं, तू आज एक काम कर, खाना पुलिस स्टेशन में भेज दे। हाँ नहीं नहीं, दाल खिचड़ी चलेगी। एक काम कर, फक्त दाल जास्त, मीठ आणि राइस कमी। तू इतना नमक डालती है ना, बीपी बढ़ रहा है मेरा। हाँ अरे नहीं, दो तीन दिन नहीं आ पाऊंगा मैं, कॉम्प्लिकेटेड केस है। हाँ हाँ, खाऊंगा, रात का खाना रात में खाऊंगा। चल रख फोन, रख अभी। हाँ क्या हुआ सर, वहीनी से डांट मिली क्या? तो आदत सी हो गई अभी। शादी के पहले बताया था मैंने उसको, पुलिस में हूँ, कितना वक्त दे पाऊंगा मालूम नहीं, लेकिन उस वक्त प्यार में थी ना। हाँ हाँ हाँ, मैं एडजस्ट कर लूंगी, मैं किरकिर नहीं करूंगी, ऐसा सब बोला। अभी वक्त नहीं दे पाते, बात करने के टाइम नहीं है, शुरू हो गया। ये केस ने भी बीपी बढ़ा दिया यार मेरी, सॉरी। अच्छा कुछ पता चला? हाँ सर, वो बिल्डिंग के मालिक का पता चल गया है। वो पिछले 3 सालों से दुबई में ही रह रहा है और बिल्डिंग भी लॉक है। वैसे सर सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये दोनों ही फैमिली का घर बिल्डिंग से लगभग इक्वल डिस्टेंस पे है। सर उज्मा की पीएम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत सर पर भारी मार लगने की वजह से हुई है, किसी मेटल की रॉड से वार किया गया है, लेकिन क्राइम स्पॉट पे हमें कोई वेपन नहीं मिला था सर। अरे मार के फेंक दिया होगा। एक काम करते, बिल्डिंग के आसपास बगल जा रहा है, सांपड़ जा रहा। सर सर उसके हाथ पे रस्सियों के निशान भी थे, मतलब उसे 3-4 दिन तक बांध कर रखा गया था, और मुंह पे भी मार्क्स हैं, मतलब उसके चेहरे को भी कपड़े से बांधा गया था। सर इस रिपोर्ट से 3 बातें तो कन्फर्म हो गई। उज्मा को मेल सेक्चुअल ऑर्गन था, इसकी बॉडी में मेल हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा थी, और नंबर 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके निचले हिस्से को केरोसिन से जलाया गया था, वो भी इसके मरने के बाद। इस सब की वजह भी इसका निचला हिस्सा ही था। एक काम करो, जरा सबके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। मतलब रिहान की फैमिली मेंबर्स के? दोनों के, उज्मा की फैमिली के। सर उज्मा की फैमिली में से ऐसा कौन करेगा, और करेगा भी तो क्यों? सर मोटिव तो रिहान की फैमिली के पास है, क्योंकि उज्मा की मौत से फायदा इन्हीं की फैमिली को होगा, और धोखा भी इन्हीं की फैमिली को मिला। नहीं, उज्मा के मरने का फायदा उसके फैमिली को भी था, बदनामी से छुटकारा। उज्मा के मामा ने क्या कहा था, वो अभी लोगों के मजाक का विषय बन गए, और आखिरी बार मामा के घर ही उसको देखा गया था। और ये मामा जो कह रहा है ना कि उसको आदर्श नगर में शिफ्ट किया गया था, वो झूठ बोल रहा है। चेक करो। ठीक है सर। ठीक है, और सुन, हाथ जल्दी चला। अब क्यों आए साहब, आपका काम खत्म? नहीं अब्दुल मियां, अब हमारा काम शुरू हुआ है। उज्मा को जिस आदर्श नगर वाले फ्लैट में रखा था, उसका नंबर और एड्रेस चाहिए। वो क्यों चाहिए आपको? पता करना है कि तुमने जो कहानी सुनाई थी वो कितनी सच है और कितनी झूठ। तुम वॉचमैन हो इस बिल्डिंग के? हाँ साहब। इस बिल्डिंग में जो 401 नंबर फ्लैट है वो किसके नाम पर है? वो एक बेकरी वाले का है साहब, अब्दुल भाई नाम है। अब्दुल भाई जी साहब। ये लड़की आई थी क्या इस फ्लैट में? हाँ साहब, इस लड़की को देखा तो है, 1-2 दिन के लिए थी यहाँ पे। सब मेरी गलती है। मेरी गलती है। गलती तो हम सबसे होगी। इस निकाह के लिए मैंने अपनी बेटी का साथ दिया, हमारी बेटी में दोष है, ये हमें मान लेना चाहिए था। गुनाह किया है मैंने, गुनाह किया है, अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अरे क्या गुनाह किया है, अल्लाह क्यों माफ नहीं करेगा? मेरी वजह से मर गई मेरी बच्ची, मेरी वजह से। अरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा। कोई सुन लेगा तो सुन लेने दीजिए, मुझे तो मेरे गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। मार दिया मैंने अपनी बच्ची को, मर गई वो। सर ये अहमद है, हमारे एरिया का खबरी। क्या खबर है साहब? मोरे साहब ने जब बोला करके तो मैंने उस लड़की के, मेरा मतलब है लड़के, अब क्या बोलूं सर मैं उसको। उज्मा बोल। हाँ साहब, उज्मा, उज्मा के घर का मैंने कुछ खबर निकाला साहब। साहब उधर एक बुढ़ा रहता है इब्राहिम करके, सब उसे इब्राहिम चाचा बुलाते हैं। जब उसे पता चला कि उज्मा की शादी हो रही है तो काफ़ी बौखला गया था, और उसने धमकी भी दी उसके और उसके परिवार वालों की, वो नमाज नहीं अदा करने देगा। और शादी के कुछ दिन पहले साहब उसने उज्मा से काफ़ी सॉलिड पंगा कर लिया था।
आप जाकर अपना देखो, हमारे बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है, तू जो करने जा रही है ना वो हमारे मजहब के खिलाफ है। ऐसा कुछ नहीं, जाओ नहीं तो चप्पल निकाल के ना तेरे चेहरे का नक्शा बदल दूं। वैसे भी एक पांव तो कब्र में ही है। अब तू देखना मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ, तुझे काट के कुत्तों को खिला दूंगा मैं। अबे जा जा, घर जाकर ना देख अपने हाथ पांव में काटने की ताकत है कि नहीं। आया बड़ा मुझे काटने वाला। इब्राहिम रहता कहाँ है? अरे साहब ये आप क्या तोहमत लगा रहे हैं? तोहमत मतलब इल्जाम लगाना, आरोप लगाना, ब्लेम करना। अच्छा, आपने उज्मा की शादी रोकने की कोशिश की, उसको धमकाया, फिर भी उसका निकाह हुआ तो आपने उसको काटने की बात की, बाद में उसको आपने मार दिया और जला दिया, बराबर है ना? नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए आपने उसको काटने की बात की, इसका चश्मदीद गवाह है हमारे पास। धमकी दी थी साहब। हाँ, और धमकी इसलिए दी थी कि उसमें जो खामियां थी उससे मैं वाकिफ था और निकाह न होने में भी सबकी भलाई थी। इसके ऊपर नजर रखो, शहर के बाहर मत जाने दो। सीडीआर रिपोर्ट का क्या हुआ? कल सुबह तक आ जाएगी सर। सर सभी के कॉल रिकॉर्ड आ गए। अच्छा सलमान कहाँ था मर्डर के दिन? सर सलमान की लोकेशन उसके घर और दुकान के आसपास की थी, लेकिन सर गेस कीजिए रिहान कहाँ पे होगा उस समय? कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हो? नहीं सर, मतलब चार ऑप्शन दो। मत दो, मैं जवाब देता हूँ। बैंगनवाड़ी में जहाँ उज़मा की लाश मिली थी, जवाब सही है? हाँ सर। अभी एक करोड़ मत दो, उसको लेके आओ। कदम चल चल चल, हॉर्न बजा हॉर्न बजा। सुन ही नहीं रहा ये तो। एक काम करो, ओवरटेक कर। जिस दिन बैंगनवाड़ी में उज़मा का खून हुआ उस दिन तेरा मोबाइल लोकेशन दिखाता है तू वहां बैंगनवाड़ी में था। अब बैंगनवाड़ी में ना तो तेरा घर है ना तो तेरे काम का ठिकाना, तो 1+1=2 बैंगनवाड़ी में तो उज़मा का खून करने गया था। नहीं साहब मेरा यकीन मानिए, मैं वहां किसी का खून करने नहीं गया था। साहब 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 सब कर रहे रे, किस लिए गया था फिर उधर? हां साहब मैं वहां जीनत का पीछा करते हुए गया था। अरे भाई जीनत कौन है? साहब वो उज़मा की पार्टनर थी। मतलब दोनों का चक्कर था? तेरे को कैसे पता चला रे? सब शादी के बाद उज़मा हर दोपहर कहीं काम है बोल के जाया करती थी। मुझे शक हुआ साहब ये बीमार है फिर भी रोज आती है, तो एक दिन मैंने उसका पीछा किया। साहब मुझे वो सब गड़बड़ लगा, इसलिए उसी रात मैंने उज़मा से पूछा कि आखिर वो लड़की थी कौन। वो जीनत थी, मेरे घर पे बचपन में जो काम करने आती थी ना, ज़ायदा उसकी बेटी। उसके कॉलेज के पैसे मैं ही देती हूँ, इसीलिए गई थी। क्या है ना बेचारी बहुत गरीब है, मदद करना तो फर्ज बनता है ना। साहब उस वक्त तो मुझे उसकी सारी बात सही लगी। तब तक प्यार का बुखार नहीं ना उतरा था, गड़बड़ कब लगा? सर 4 जुलाई को जब जीनत हमारे घर आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जी? मेरा नाम जीनत है, जरा उज़मा को बुलाइए ना। उज़मा तो यहाँ नहीं है, उसके घर पर है। अच्छा कब से? कौन है रेहान? कोई नहीं अम्मी। कोई बात नहीं, हम उसे वहीं जाकर मिल लेंगे। साहब जिस लड़की के कॉलेज का खर्चा उज़मा उठा रही थी उसके पास खुद की गाड़ी थी, मेरा तो दिमाग सटक गया साहब। मैंने उसी वक्त उसका पीछा किया और बैंगनवाड़ी में उसके कार के आगे अपनी बाइक डाली। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी है ये? पहले तो ये बता तेरा और उज़मा का क्या रिश्ता है? दोस्त है। दोस्त है? पर वो तो कहती तू उसकी पुरानी नौकरानी की बेटी है। हाँ, और तेरे कॉलेज के पैसे भी वही देती है? पैसे वो देती है लेकिन उसके लिए नहीं। मतलब? मतलब ये कि मुझे उज़मा के प्रॉब्लम के बारे में पता है और मैं मुंह ना खोलूं इसके लिए वो मुझे पैसे देती है। इस बार नहीं लिए, वही लेने आई थी। पर तुझे उसकी प्रॉब्लम के बारे में कैसे मालूम पड़ा? उज़मा मेरे कॉलेज की दोस्त है, हम खास दोस्त है लड़कियों लड़कियों वाले। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना? अरे शर्म काहे की, तू अपना रिश्ता उसके साथ खत्म कर दे समझा।
उज्मा मेरी है। मतलब उस बेचारे के उस हालात का भी कोई फायदा उठा रहा था। ये जीनत कहाँ मिलेगी इस वक्त? साहब उसका उसका ठिकाने का तो मुझे नहीं मालूम। उसकी कार का तो नंबर याद होगा? हाँ साहब, उस दिन पीछा करते वक्त मैंने उसकी कार की फोटो खींची थी। ठीक है, ये देखिए साहब। सर मैं उसे क्यों मारूंगी, वो दोस्त थी मेरी, और जब चाहिए सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा था, और ऊपर से पैसे भी मिल जाते थे। हाँ, सोन्याचं अंडा देणारी कोंबडी सापडली होती तुला। सोने का अंडा देने वाली कोंबडी, मुर्गी मिली थी तुमको। सर ऐसी मुर्गी को कोई काटता है क्या? काटता है जब हाव हाव को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? भूख, लालच। लालच जब ज्यादा लालच बढ़ जाती है ना तो काटता है। तुम्हारी लालच बढ़ गई थी इसलिए उज्मा को मार डाला तुमने। सर लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था उज्मा किधर थी। बैंगनवाड़ी में थी वो। अरे लेकिन मुझे मालूम नहीं था। मोरे इसका फोटो निकालो। अरे क्या है, तुम भागवा गई ना? तुम्हारा लेटेस्ट फोटो है हमारे पास। और सर वैसे भी इसके ऊपर ब्लैकमेलिंग का चार्ज तो बनता ही है। कैसे बनता है ब्लैकमेल? जिसे ब्लैकमेल किया था वो तो मर गई। गवाही कौन देगा? होशियार है। देखिए सर मेरी पूरी फैमिली लॉयर्स की है और मैंने खुद लॉ किया है। हाँ तो लॉ में एक इम्पोर्टेंट चीज है, सबूत। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ सबूत मेरे हाथ लग जाएगा ना, ये पूरी होशियारी बाहर निकाल दूंगा मैं। चला मोरे। आई शपथ बोलता हूं किसी पुलिस वाले के पास ऐसा केस नहीं आया होगा। रेहान, सलमान, जीनत सबके पास मर्डर का मोटिव था, लेकिन किसी के खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं था। उस वक्त इस व्हाइट बोर्ड को मैं घंटों देखते बैठा और सोचता कि इनमें से ही किसी ने उज्मा को मारा है, लेकिन कौन है? कोई कल्प्रिट नजर नहीं आ रहा था। मेरा असिस्टेंट मोरे, उसके पास मैंने केरोसिन का एंगल भी निकाला, लेकिन सब मिडिल क्लास लोग थे और मिडिल क्लास लोग तो केरोसिन यूज नहीं करते, फिर कौन करता है? सर एक बात तो कंफर्म है कि केरोसिन यूज किया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कोई भी केरोसिन यूज नहीं करता, सभी गैस कनेक्शन वाले हैं। गैस खत्म हो गई तो? सर गैस खत्म कहाँ होती है, क्योंकि ये लोग गैस पाइपलाइन का यूज करते हैं, और जिस बिल्डिंग में ये लोग रहते हैं वहां सभी जगह गैस की पाइपलाइन लगी हुई है, रियान के घर भी और ये जीनत के घर भी। नहीं लेकिन मोरे, उज्मा के निचले वाले हिस्से को जलाने के लिए कल्प्रिट ने केरोसिन कहां से लाया? मुझे अभी भी लगता है कि ये कांड उज्मा के फैमिली ने किया है। और सर मुझे लगता है कि ये कांड रिहान या उसकी फैमिली में से किसी ने किया है, क्योंकि उज्मा को उसके मामा के घर रखा गया था और वहां से वो निकलकर रिहान के घर चली गई, और अभी तक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है सर, ये बात तो कंफर्म है कि उज्मा को फिजिकल प्रॉब्लम होने के बाद भी वो रिहान से प्यार करती थी। ये बात सही है। हाँ सर, हो सकता है कि वो रिहान के पास वापस गई हो, उसे अपनाने की रिक्वेस्ट की हो, बातों बातों में उनकी बात बिगड़ गई हो, फिर रिहान या सलमान उनमें से कोई उसे बिल्डिंग के पास ले गया हो, उनका झगड़ा हुआ हो, उनमें से किसी एक ने या फिर दोनों ने उज्मा को मार दिया हो और फिर उसके निचले हिस्से को जला दिया। मुरे यार घूम फिर के वहीं आ रहे यार हम लोग। जिसके घर में गैस है वो केरोसिन क्यों यूज करेगा? नहीं एक काम करो तुम ना, ये दोनों ने तीनों के घर चेक करो, एक जीनत का भी घर चेक करो, और देखो कहीं केरोसिन या केरोसिन का खाली डिब्बा मिलता है क्या। साहब हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहां जाके ढूंढो, उन्होंने मारा है उज्मा को, उसका कातिल वहीं मिलेगा। चुप रहिए आप, अंडी चलिए साइड आइए। साहब कदम साहब अंदर चलो। लेकिन साहब आप लोग क्या देख रहे हैं? साहब दूसरे कमरे में देखो, सब खाली बोतल है साहब पानी की। साहब आप क्या ढूंढ रहे हैं? ठीक है साहब, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इस पूरे इलाके में हमारी बेकरी का नाम है। चुपचाप खड़े रहो। तुम्हारा अफेयर कितने साल था? साहब एक साल। मतलब एक साल तूने सिर्फ घुमाया, कुछ किया नहीं? सब वो बात नहीं है, सब हाथ वाथ पकड़ने देती थी पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। मोरे मुझे लगता है या तो बहुत भोला है या तो बहुत शातिर दे। भाईजान कोई बात है तो बोल दीजिए,
देखिए भाभी जान, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए, कुछ मन में बात है तो प्लीज हमें खुल के बताइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उज्मा में एक प्रॉब्लम है। क्या आप बताएंगे या मैं बताऊं? तुम बोलो। वो उज्मा कभी माँ नहीं बन सकती। सर, इस रिपोर्ट से तीन बातें तो कंफर्म हो गई। उज्मा को मेल सेक्सुअल ऑर्गन था, इसकी बॉडी में मेल हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा थी, और नंबर तीन और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके निचले हिस्से को केरोसिन से जलाया गया था, वो भी इसके मरने के बाद। इस सब की वजह भी इसका निचला हिस्सा ही था। एक काम करो, जरा सबके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। मतलब रिहान की फैमिली मेंबर्स के? दोनों के, उज्मा की फैमिली के। सर, मैं उसे क्यों मारूंगी? वो दोस्त थी मेरी, और जब चाहिए सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन में मिल रहा था, और ऊपर से पैसे भी मिल जाते थे। हाँ, सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी सापडली होती तुला। सोने का अंडा देने वाली कोंबडी, मुर्गी मिली थी तुमको। सर, ऐसी मुर्गी को कोई काटता है क्या? साहब, हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वहां जाके ढूंढो, उन्होंने मारा है उज्मा को, उसका कातिल वही मिलेगा। चुप रहिए, हटिए, चलिए साइड आइए। साहब, कदम साहब, अंदर चलो। लेकिन साहब, आप लोग क्या देख रहे हैं? साहब, सर, ये केरोसिन का डिब्बा आपका है? हाँ। केरोसिन क्यों लगता है आपको? गैस खत्म हो जाता है तो। आपके घर में तो पाइपलाइन वाला गैस है ना, वो तो कभी खत्म नहीं होता। क्यों मरे? हाँ सर, ज्यादा खाना पकाना होता है तो इसे ही इस्तेमाल करते हैं। अरे हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो फिर वो स्टोव कहाँ है? स्टोव? अब कैसे बताऊँ आप? वो स्टोव रहता है ना खाना पकाने के लिए, एक नीचे ऐसा पंप रहता है, बाजू में ऐसा एक ढक्कन रहता है, उसमें ऐसा केरोसिन डालने का, लगाने की माचिस, पंप मारने का, सब भड़क जाती है आग। वो स्टोव कहाँ है? स्टोव रिपेयर होने का है। रिपेयर का दुकान कहाँ है? एड्रेस दो, मोरे लेके आएगा। क्या हुआ? केरोसिन खत्म हो जाने के बाद स्टोर जैसा बंद हो जाता है, वैसे आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? स्टोर नहीं है। स्टोर नहीं है तो घर में केरोसिन कैसे आया? उज्मा को जलाने के लिए मोरे है ना? हाँ। ये क्या बकवास कर रही हो? क्यों झूठ बोल रही हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही, उज्मा को मैंने मारा है, मैंने मारा है अपनी बच्ची को। साहब ये झूठ बोल रही है। साहब, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? नहीं, मैंने मारा है अपनी बच्ची को। अरे नाजिया, अरे साहब, अरे साहब छोड़ो साहब। अरे नाजिया, सॉल्व के लिए तुम्हें नाजिया, सच बता दो नाजिया। नहीं, अरे नाजिया, अरे अरे झूठ क्यों बोल रही हो नाजिया? तुमने झूठ क्यों बोला नाजिया? नाजिया ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन सर, नाजिया ने कन्फेस कर लिया है, उसी ने अपनी बेटी को मारा, अब क्या बचा हुआ है? ये झूठ बोल रही है। किसने नहीं मारा है उज्मा को? झूठ बोल रही, लेकिन क्यों सर? किसी को बचाने के लिए। लेकिन किसे? शायद उसके पति को या भाई को। तो उज्मा को आपने मारा? हाँ। कैसे? मुझे जरा फिल्म में दिखाते हो वैसा दिखा, मुझे फिल्म में बड़ी अच्छी लगती है। उज्मा को हमने अब्दुल के, उसके मामू के खाली घर में रखा था। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो तो सिक्योरिटी ने बताया, वो वजह भी बताई, वो कुछ उसके फोटो खींच रहे थे, बदनामी हो रही थी, यहाँ तक सब सही है। आगे हमको समझ में नहीं आ रहा था उसका क्या करें, तो उस रात मैंने उसे मार दिया। अब्दुल मामा के घर पे मार दिया? हाँ। तो उसकी लाश हमें बैंगनवाड़ी की बंद पड़ी हुई बिल्डिंग में कैसे मिली? यानी अगर आपने उधर आजाद नगर में उसको मारा, तो उसकी लाश बिल्डिंग में कैसे आई? मैं लेकर गई थी ऐसे ओपन में, सबके सामने, किसी ने देखा नहीं। मतलब एक औरत की लाश ले जा रही है और उसे किसी ने नहीं देखा। चादर में लपेट के लेकर गई थी। सामने मैडम, उनका वजन का है? सामाजिक नहीं, शारीरिक। 56। 56।
उज़्मा भी शायद इसके आसपास ही होगी ना, तो चलो एक काम करते, हम चसावन मैडम लोग सुन रखो, उनको उठा के दिखाओ। चलो चलो उठो उठो, एक दो तीन। सब याद आया। क्या? मैंने उसको बिल्डिंग में ही मारा था। तो उज़्मा को आपने बिल्डिंग में मारा, तो बिल्डिंग तक क्यों चलती आई? उसको नहीं मालूम था कि मैं। हाँ, उसको कैसा मालूम होगा कि एक माँ बेटी को मारेगी। अच्छा, कैसे मारा? पत्थर से उसके सर पे मारा। पत्थर से मारा? हाँ, बिल्डिंग में पत्थर कहाँ से आया? और था तो हमें मिला क्यों नहीं? और जो केरोसिन जिससे जलाया था, वो केरोसिन क्या रात में राशन की दुकान से लिया था? रात के वक्त कौन सा राशन का दुकान खुला था? उज़्मा के पेट में खाना नहीं था, चार पांच दिनों से उसको भूखा रखा था। हाँ? साहब आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैंने बोला ना, मैंने अपनी बेटी को मारा है, आप मुझे सजा दो और बात यही खत्म करो। ऐसी बात खत्म नहीं कर सकते हम, एवढं थोड़ी सोपा असतं ते आमच्यासाठी। वो सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, वो कोर्ट में पेश करना पड़ता है, बहुत झमेला रहता है उसका। उज़्मा को आपने नहीं मारा, सर आप सही कह रहे थे, ये नाजिया झूठ बोल रही है। नहीं, झूठ तो बोल रही है, लेकिन किसे बचाने के लिए? और ये सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। देखो, जिस दिन ये हुआ उस दिन उज़्मा के घर के कोई भी फैमिली मेंबर का मोबाइल लोकेशन बैंगनवाड़ी नहीं था, तो उज़्मा को किसने मारा? मोरे घूम फिर कर हम वही सवाल पे आके अटक रहे। सर, उज़्मा का बाप सलीम आया है, वो नाजिया को मिलना चाहता है, बैठा ले दू? हाँ देना, अपने कानून ने उतनी तो छूट दी है। मोरे अब पता चलेगा कातिल कौन है। ज्यादा टाइम नहीं, फक्त 5 मिनट। हाँ। नसीहत, तुमने झूठ क्यों बोला? अच्छा मागे जा, मग कुठे जातो आणि काय करतो? सर, हाँ नाइक बोला, चलो बच्चो। अरे कहाँ चले सलीम मियाँ? जी वो मैं बोरे मैं चेक कर। सर कपड़े हैं, वो भी सिर्फ इन दोनों बच्चों के। अच्छा, तो तुम नहीं भाग रहे थे, बच्चों को भगा रहे थे। हाँ, मैंने झूठ बोला, अपने बच्चों को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला। उस दिन मैंने देखा कि चलते चलते क्या क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अम्मी। और ये घासलेट का खाली केन कहाँ से आया? वो मम्मी स्कूल का प्रोजेक्ट था। ये स्कूल वाले भी ना जाने क्या क्या करवाते हैं। देखो बच्चों, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है वो सब हमें पता है। देखो, केरोसिन के डब्बे पे तुम दोनों की उंगलियों के निशान मिले हैं, और उस बिल्डिंग में भी। मोरे, जिस दोस्त से तुमने वो केरोसिन खरीदा था, हमने उससे भी बात की है, और तुम्हारे मामू के घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा था उसमें साफ दिख रहा है कि तुम दोनों उज़्मा को अपने साथ लेकर जा रहे हो। क्यों किया इसे? क्योंकि आपा की उस बात की वजह से हमें हर जगह जिल्लत का सामना करना पड़ रहा था। स्कूल में भी सब हमें किन्नर का भाई बुलाने लग गए थे, मोहल्ले के सारे दोस्त हम पर हंसने लग गए थे, घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। अम्मी, मैं खिड़की खोल लूँ क्या? बहुत घुटन सी हो रही है। चुपचाप बैठो और पढ़ाई करो अपनी। फिर हमने आपस में बात की और ये तय किया कि इस वजह को जड़ से उखड़ना है। अब बताओ, उज़्मा को बिल्डिंग में लेके गए, उसके बाद क्या किया?
आपा चलिए हमारे साथ। लेकिन अरे अम्मी अबू ने बोला चलिए आपकी जान को खतरा है। लेकिन क्या आने जा रहा है मुझे बताओ तो सही। अरे अबू ने बोला चलो आपा। पर ये क्या जग कहाँ है अबू? अबू अबू कहाँ है अबू? दो दिन वही बांध कर रखा, मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर हिम्मत जुटी तो दोस्त से केरोसिन लिया और फिर भाई का काम होता है बहन की दुश्मनों से रक्षा करना, लेकिन तुम दोनों तो उसके दुश्मन हो गए। उस्मान और उमर दोनों अंडर एज होने के कारण उनका केस जुवेनाइल कोर्ट में चली जहां उन्हें सजा हुई। उन्हें दो बड़े गुनाह की दो बार दस्तक मिली थी लेकिन उन्हें वो सुनाई नहीं दी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या गलती थी उज्मा की? दुनिया में ऐसी कई लड़कियां हैं जिसे ऊपर वाले ने हमसे अलग बनाकर भेजा है, तो क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? और आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन अपने पास है, तो डरे क्यों? मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद।